विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कोर्ट को लेकर शासन और प्रशासन को कटघरी में खड़ा करते हुए कोरोना मौत में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस क्लब संघ के भवन में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि पिछले कुछ महीने के दौरान विदिशा के मुक्तिधाम में कई लाशें जलाई गई, अंतिम संस्कार यहाँ पर हुए हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज सिर्फ 471 लोगों की मौत बता रहा है। ऐसे में सही आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। शासन के द्वारा बताए गए 169 आंकड़े मौतों के, आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, एक बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया है। हकीकत को यहाँ छुपाया जा रहा है क्योंकि सरकार कोरोना की मौत की वजह स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इसके अलावा 1,00,000 रुपए देने और अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए मासिक जो ऐलान किया है उसकी ही कवायद ना करने के चलते यह सब कुछ किया जा रहा है। रेड क्रॉस रोगी कल्याण समिति के रशीद के ऊपर मनमानी चालानी कार्रवाई करने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है, तो वहीं प्रशासन ने व्यापारियों को चोर साबित कर दिया है, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है। की ओर से भी उन्हें सम्मान धन्यवाद पेश करता हूं। सम्मानीय साथियों, नगर पालिका विदिशा द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि दिनांक 1/4/2021 से 19/5/2021 तक नगर पालिका द्वारा मेडिकल कॉलेज से कोरोना से हुई मृत्यु के उपरांत 471 लोगों के शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपे गए और राज्य सरकार कह रही है 15 महीने में 169, जिससे नगर पालिका विदिशा द्वारा मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट विदिशा पर 331 शव भेजे गए। हाल ही में प्रशासन द्वारा बनाए गए नए मुक्तिधाम भौर घाट में अंतिम संस्कार के लिए 165 शवों को भेजा गया, यानी कुल मिलाकर 471 कोविड मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसका सरकारी आंकड़ा पिछले 15 महीनों में 169 बताकर सरकार पल्ला झाड़ रही। साथ ही बड़े हतप्रत करने वाला तथ्य यह है कि मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट पर 1/4/2021 से 30/4/2021 तक 404 सम्मानी जनों का अंतिम संस्कार किया गया एवं 1/5/2021 से 19/5/2021 तक मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट पर 331 हमारे सम्मानी जनों का अंतिम संस्कार किया गया व 21/4/2021 से 19/5/2021 तक नए मुक्तिधाम भौरघाट विदिशा में अंतिम संस्कारों की संख्या 165 हमारे सम्मानी जनों के अंतिम संस्कार किए गए, अर्थात कुल मिलाकर कोरोना में दोनों मुक्तिधामों पर 1/4/2021 से 19/5/2021 तक 900 सम्मानी जनों का अंतिम संस्कार किया गया। वैसे तो मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट विदिशा का प्रति माह अनुमानित आंकड़ा 80 से 90 अंतिम संस्कारों का है। इससे यह प्रतीत होता है कि कोविड 19 से होम आइसोलेशन में मृत हुए मरीजों की मृत्यु भी इन आंकड़ों में सामान्य मौतों के रूप में दर्ज कर आंकड़ों की हेराफेरी कर सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जनता को भ्रमित किया गया। इससे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा प्रदेश में कोरोना से मृत लोगों की संख्या 30/3/2021 से 20/5/2021 तक सिर्फ 1667 मौतें होना पूरे मध्य प्रदेश में बताया गया।